हाँ तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक नई स्टोरी। एक समय की बात है, उस समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गहरी वन में घूम रहे थे। उनके शिष्यों में से एक शिष्य बहुत चाहता था कि वह भी गहरे वन की यात्रा करें। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी इस गहरे वन में आपके साथ जा सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ तुम आ सकते हो, लेकिन एक शर्त है। शिष्य ने उत्साहित होकर पूछा, कौन सी शर्त है गुरुदेव? बुद्ध ने कहा, तुम्हें पूरे दिन किसी से भी बोलना नहीं है। शिष्य ने सहमति दी और उसने गहरे वन की यात्रा शुरू की। पहले दिन तो ठीक था, लेकिन दूसरे दिन उसकी जीभ के प्रयास करने लगे। तीसरे दिन वह बहुत अधिक परेशान हो गया था। वह चाहता था कि वह किसी से अपनी बातें कर सके, लेकिन उसने गुरुजी का वचन नहीं तोड़ा। अंत में उसने अपने गुरुदेव के पास जाकर रोते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे अब यह नहीं करना है। मुझे अपने भाषण की विशेषता की कमी का आभास हो रहा है। बुद्ध ने उसकी परिस्थिति समझी और उसे एक अद्वितीय सबक सिखाया। वह बताया कि चुपचाप रहने से हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं, और जब हम अपने भीतरी स्वर को समझते हैं तो हमें अपने आत्मा की समझ मिलती है। गुरुदेव के उपदेश से प्रेरित होकर उस शिष्य ने गहरे वन में चुपचाप रहकर अपने भीतरी स्वर को सुनना शुरू किया और उसके दिल में भीतरी शांति का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुपचाप रहकर हम अपने आत्मा को समझ सकते हैं और अपने भीतर की गहराई को जान सकते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्यों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, हमें अपने आप को गहराई से समझने के लिए शांति में रहने की आवश्यकता क्यों है? गौतम बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गाँव में एक बड़ा सा जंगल था। जंगल में एक गुरुकुल था जहाँ गुरुजी अपने छात्रों को शिक्षा देते थे। एक दिन गुरुजी ने छात्रों से कहा, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण ध्यान शिक्षण करेंगे। हम सभी को एक दूसरे के उपस्थिति को महसूस करने के लिए शांति के साथ एक समय बिताना होगा। गुरुजी ने छात्रों से कहा, अब हम सभी एक साथ जंगल में चलेंगे। आपको चुपचाप और शांति से मेरे पीछे चलना होगा। किसी भी प्रकार की चिंता या अफरातफरी नहीं होनी चाहिए। छात्रों ने गुरुजी की सीख को मानकर चुपचाप उसके पीछे चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जंगल की शांति, प्रकृति की सुंदरता और गुरुजी के साथ एक संवाद में होने का एहसास उन्हें महसूस होने लगा। इस अनुभव ने उन्हें खुद को और अधिक समझने की क्षमता प्रदान की। गुरुजी ने उन्हें सिखाया कि जब हम शांति में रहते हैं तो हमें अपने आत्मा की गहराई में प्रवेश करने का मौका मिलता है, जिससे हम खुद को और अधिक समझ सकते हैं। साक्षात्कार के बाद छात्रों ने गुरुजी की बात मानी और शांति को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। इस कहानी का सार यह है कि शांति में रहने से हम अपने आप को और अधिक समझ सकते हैं और जीवन को एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।